हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल से सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। इन 50 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और साथ में ये भी बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने बगल में ही आपके बेल आइकन का उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि जनवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होना तय हैं, तो किन किन बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो ये भी बताएं कि आपकी तैयारी पूरी है, और आपको किन किन टॉपिक के वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 36, 33। तो आपको ध्यान में रखना कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए, श्रृंगार। तीसरे वाक्य में कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी? अध्येता। चौथे में होगा सी। पांचवे में होगा बी। छठे में होगा बी। सातवां क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो संतोष का संधि विच्छेद होगा समधन तोष। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत्धन ज्वल। दसवां, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा विश्वधन अमित्र। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संगम का संधि विच्छेद होगा समधन गम। अगला, कि समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, टिप्पणी, सार या व्यास, क्या होता है? संक्षेप। अगला, कि अनायास में समास होगा द्विगु, नण, द्वंद, कर्मधार, कौन सा होगा? तो अनायास में समास होगा पी। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे। अगला है कि पुरोहित में उपसर्ग है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पुरोहित में उपसर्ग होगा बी। खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, फारसी। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ए, हर्ता। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप चार संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तंग, ऑप्शन आपके हैं हाल, गली, कमीज, कामना, आंसर हो जाएगा कामना। सीधा, ऑप्शन आपके हैं मूर्ति, सवाल, आदमी, रास्ता, मूर्ति। प्रिय, ऑप्शन आपके हैं विषय, कवि, वैरी, मित्र, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, वैरी। नीचे प्रत्येक में चार शब्दों के समूह हैं, एक शब्द बेमल है उसका चयन कीजिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 21वें का क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा सी, साकार।
22वें का अंत प्रवेश छोर सिरा, तो इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? प्रवेश, तेईसवे का अंक चिन्ह निशान संख्या, संख्या, चौबीसवे का अंधेर धांधली अशांति अन्याय, अशांति, पच्चीसवे का अनिष्ट अशुभ अहित हानि, तो आंसर हो जाएगा हानि। अगला कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वाणी, वीणा, पाड़ी, कमला, शारदा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कमला। अगला कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्याल, गरुण, सर्प या पन, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गरुण। अगला कि जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घन, वारित, अंबर, बलाहक, आंसर हो जाएगा सी आपका, अंबर। अगला अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सेवक, चाकर, निर्जर या भृत्य, राइट आंसर हो जाएगा निर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय, तो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रिय। नीचे मुख्य शब्द के चार अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात, ऑप्शन आपके हैं चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट, राइट आंसर हो जाएगा चोट के बदले चोट। अगला है अशक्त, आपके सामने चार ऑप्शन है, अशक्त, शक्तिमान, अक्षम, शक्ति प्राप्त के लिए प्रत्नवान, राइट आंसर हो जाएगा अक्षम। अगला है रंग भवन, ऑप्शन आपके हैं रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह, रंग बनाने का कारखाना, रंग रैलियां बनाने का स्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा रंग बनाने का कारखाना। अगला है त्रिकालज्ञ, ऑप्शन आपके हैं तीन समय तक, तीन समय होने वाला, कालातीत, सर्वज्ञ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला है उत्तंग, ऑप्शन आपके हैं फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा, मन माना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊंचा। अगला है अनागत का विलोम शब्द क्या होगा, वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत, तो राइट आंसर हो जाएगा आगत। अगला है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन, विगत कालीन, तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातन। अगला है क्वेश्चन आशा का विलोम शब्द क्या होगा, दुराशा, नाउम्मीद, हताशा या निराशा, तो काफी इजी है, तो आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जैसे कि जिसे बुलाया गया ना हो, उसे क्या कहते हैं, अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अपयागत, राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत। अगला क्वेश्चन, स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं, नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका, तो उसको बोलते हैं, जो स्त्री अभिनय करती उसको बोलते हैं अभिनेत्री। अगला आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आशातीत। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। 42वां क्वेश्चन, कि न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का दिया निर्देश, निर्देश, आदेश, निर्णय, तो क्या दिया, आदेश दिया, यानी कि न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का आदेश दिया। अगला है पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है, आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुशासन, पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है उसे छांटिए,
राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर डी हो जाएगा। अगला है, कल 27 अप्रैल को कौन सी तारीख होगी? ए बी सी डी, क्या सही है इसमें, सॉरी क्या त्रुटि है इसमें, तारीख। अगला है, शीर्षक का छोटा आकर्षण और विषय से संबंध रखना चाहिए। ए बी सी डी, आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला, कि समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन सकता है, आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला, कि धनवान को व्यर्थ विकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला, कि अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ होगा इनकार करना। अगला है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा? राजविहीन जगह जहां अंधेरा हो, जहां छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो, अन्याय की जगह। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्याय की जगह।